हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो पर। मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं रेडी टू गो ब्लॉग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम जिस वीडियो बनाने जा रहे हैं वो वीडियो है एक तोता जो कि पेड़ पे शायद उसका अंडा बच्चा हम लोग खोजने जाएंगे। हमें नहीं पता है कि वो अंडा बच्चा किस पेड़ पे मिलेगा, लेकिन आज हम आप लोग को दिखाएंगे कि कौन सा पेड़ पे तोता का बच्चा रहता है, कब तोता का अंडा देता है। हम ये सब आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। आप ये जो हमारे ऊपर पेड़ देख रहे हैं ये पुटकल का पेड़ है। तोता अक्सर पुटकल का पेड़ में ही अंडा देता है और ये पतझड़ के समय यानी कि फरवरी का स्टार्टिंग में ये अंडा देता है। और जिस तरह से पतझड़ ख़त्म होता है और पत्ता आना शुरू होता है, तोता भी बड़ा हो जाता है और वो उड़ जाता है। जिस पे तो तोता नहीं मिला इसलिए धोनी उतर चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे जंगल के कोई दूसरा पेड़, देखते हैं वहाँ मिलता है कि नहीं। एक वहाँ पर भी पेड़ है, उस पेड़ पर जाकर देखते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अब हम लोग इस पेड़ पर ट्राई करके देखते हैं कि इस पे तोता का घोंसला, तोता का बच्चा है कि नहीं। हम ये पेड़ पर चेक के देखने वाले हैं कि इस पे तोता है कि नहीं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं पेड़ के ऊपर। शायद घोंसला एक यहाँ पर है, तो एक घोंसला यहाँ पर तो है, ये देख सकते हैं घोंसला। तो अब आपको दिखाते हैं इसके अंदर तोता। देखिए इस घोंसले में तोता का बच्चा तो है बट बहुत छोटा है। एक मिनट रुकिए, आपको दिखाते हैं, देखते हैं आपको दिखेगा कि नहीं। ये देखिए तोता का छोटा छोटा बच्चा दो तीन है, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल। देखिए अभी इसका आँख भी नहीं खुला है, तो हम लोग इसको बाहर नहीं निकालेंगे, बस ऐसे ही आप देख लीजिए, कुछ दिन और लगेगा। तो हो सके तो हम लोग एक सप्ताह 10 दिन बाद आपको इसका पूरा वीडियो फिर से आपको देंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, तोता का बच्चा तो हम लोग को दिख गया, लेकिन बहुत छोटा होने की वजह से हम लोग तोता को नहीं निकाले हैं। तो आपको हम लोग इसका फिर से वीडियो देंगे कुछ दिन बाद, जब तोता थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। बाय।